हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आवर गार्डनिंग एक्सपीरियंस में। तो आज का जो सब्जेक्ट है हमारा, ब्रोकन पॉट जो होते हैं हमारे, बहुत से ब्रोकन पॉट हो जाते हैं, तो उनको फेंक देने से अच्छा है उनके लिए कुछ अरेंजमेंट करें और वो भी हमारे गार्डन का एक शोपीस अच्छा बन सकता है। इसलिए मैं एक ब्रोकन पॉट का अरेंजमेंट करने वाली हूँ। ये मेरा बहुत पुराना है, ये तो 6 मंथ हो गए। तो ये देखो, इसमें ये पर्पल हार्ट है और ये जो है एलोवेरा और पर्सलिन, और ये जो है BBTS का छोटा सा पौधा है जो बीज से ही उगता है, वो अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, तो पर्सलिन भी है। और ये देखो, ये जो है स्नेक प्लांट, मैंने इतना ही लगाया था, उससे ये एक बेबी पॉप निकला है, ये बेबी पॉप निकला है। और एक बार यहाँ से दिखाऊँ, ये भी बेबी पॉप निकला है, मतलब इतना अच्छा से ये चल रहा है मेरा ब्रोकन पॉप। देखो, इसके लिए चाहिए, ये मेरा जो पॉट था, मैं इसमें स्नेक प्लांट लगाने वाली थी, ये टूट गया मेरा कल। और ये देखो, ये भी पूरा एक पॉट था, ये भी टूट गया, ये ऐसे खड़े नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने रख के देखा ये ऐसा, तो ये खड़ा हो रहा है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो मैंने सोचा इसका हम कुछ ब्रोकन पॉट अरेंजमेंट कर सकते हैं, और ये भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और ये भी यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे क्या कैसे कैसे होता है, मैंने सोचा भी नहीं, जब होता जाएगा वो करेंगे। और देखिए, इसके लिए मैंने प्लांट्स यूज करना है, इसके लिए मैं प्लांट्स यूज करना चाहती हूँ। ये है स्नेक प्लांट, और पर्पल हार्ट, जो ये सभी प्लांट है जो सभी धूप में, डायरेक्ट धूप में रहते हैं। और ये बेबी सनरोज, पर्सलिन है दो कलर के, और बेबी टीयर्स है, और एलोवेरा है, ये छोटा बेबी प्लांट निकला था, बेबी पफ इसका स्नेक प्लांट का। और ये है मॉस रोज, ये भी 2-3 कलर के हैं। और एक मैंने कटिंग लगाई थी जेल प्लांट की, यहाँ से रूटिंग फॉर्म हो रही है, ये देखो, ये यहाँ से, तो दिख नहीं रही, लेकिन ये छोटी सी कैमरा में नहीं दिख रही, छोटी सी रूट फॉर्मिंग हो चुकी है यहाँ पे, तो ये भी मैं यूज करने वाली हूँ। और ये देखिए, ये जो स्टोन होते हैं, ये मेरे स्टोन है जो हमारे सैंड में रहते हैं, तो वही चुन के लाए हैं, यही यूज करने वाली हूँ मैं ज़्यादा। तो इसमें देखो कलर है, और ये देखो ये स्टोन, तो हम कौन सा भी कलर का या कौन से भी साइज का, शेप का चूज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं इस ब्रोकन पॉट अरेंजमेंट में। और ये छोटे छोटे खिलौने हैं, ये किचन था एक्चुअली, तो इसका मैंने सोचा कि इसके भी, ये डॉल का भी यूज कर लेंगे, ये छोटी सी डॉल कितनी क्यूट है। और ये देखो, ये किंडर जॉय में आते हैं छोटे छोटे खिलौने, टॉयज, तो ये मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पे, ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए चाहिए हाफ पार्ट सॉइल है और हाफ पार्ट सैंड है। इसके लिए मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है यहाँ पे, मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने पहली बार यूज़ किया था ओनली सॉइल। तो इसका क्या हुआ था, ये सॉइल पूरी ऐसी चिकनी मिट्टी थी, तो पूरी चिपक गई थी ये ब्रोकन पॉट में, और इसमें रूट फॉर्म नहीं हो रहे थे, वो तो अच्छी तरह सक्सेसफुल हुआ ही नहीं मेरा ब्रोकन पॉट जो अरेंजमेंट है वो, तो उसमें रूट ही फॉर्म नहीं हो रहे थे, क्योंकि जगह भी थोड़ी रहती है, और वो एकदम हमने मिट्टी अगर दबा के उसमें अरेंज की तो उसमें रूट फॉर्म नहीं होते और अच्छी तरह से प्लांट डेवलप नहीं होता। इसलिए कभी भी ब्रोकन पॉट में आधा पार्ट, जो आधा हाफ पार्ट जो होती है सैंड और हाफ पार्ट सॉइल, इसका यूज़ करना चाहिए। अब मैं इसको मिक्स करूँगी पहले, ये देखो, अब ये हमारा सॉइल मीडिया रेडी है, अब सिर्फ इसमें भरना है। तो
यहाँ तक आने तक तो कुछ नहीं करना है, यहाँ तक आने तक सिर्फ भरना है हमें। स्पीड करते हैं दीदी जी। देखो यहाँ पे मैं ये स्नेक प्लांट लगाने वाली हूँ, तो एकदम बीच में नहीं लगाऊंगी मैं, थोड़ा सा साइड में लगाऊंगी क्योंकि यहाँ भी अरेंजमेंट करनी है ऊपर। यहाँ लगाऊंगी तो ऊपर अरेंजमेंट में कर नहीं सकती, इसलिए साइड को लगाऊंगी ये स्नेक प्लांट। फिर यहाँ पे मिट्टी भरनी है। बाद में ये छोटा सा टुकड़ा मैंने लगा है, और बाद में यहाँ पे भी मैं सॉइल भरने वाली हूँ। ये यहाँ से पूरा भर के फिर ऊपर का अरेंजमेंट करूंगी। ये देखो ये लेबलिंग हो जाने पर, ये थोड़ी स्पीड मैंने बढ़ा दी है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये अदर पॉट मैंने लगा दिया है, ब्रोकन पॉट, और लेबलिंग करूंगी अभी ये सॉइल की। ऐसे ये थोड़े से छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं हमारे घर में, अगर हमने उन्हें दिखा दिया ऐसा अरेंजमेंट तो उनको खेल भी हो जाएगा और हमारे पॉट भी यूज हो जाएंगे और हमारा गार्डन कॉर्नर भी अच्छा लगेगा। ये देखो ये ऊपर सॉइल बाहर आ रही है, इसलिए वहाँ पे भी थोड़ा सा टुकड़ा रख देना है, थोड़ा सा दबा देना है, और कुछ स्टोन भी अरेंज कर सकते हैं वहाँ पे। और नीचे भी एक स्टोन मैंने दबा दिया, उसके कारण मिट्टी भी गिरेगी नहीं और जो टुकड़ा लगाया है ब्रोकन पॉट का वो भी अच्छे से फिट रहेगा। और ऊपर को भी मैं लेवलिंग कर रही हूँ मिट्टी की, जो भी सॉइल मीडिया मैंने बनाया है, और उसके बाद में वो छोटे छोटे प्लांट लगाऊंगी उसमें। अभी ये रेडी है पॉट पूरा, जो मुझको करना था वो यही अभी कर लिया है पूरा। अभी इसमें प्लांट लगाऊंगी स्टोन। देखो स्टोन भी जो है, जो नेचुरल स्टोन है वही मैं लगा रही हूँ, जो सैंड में मिलते हैं वही। तो ये है पर्पल हार्ट, दोनों तरफ लगा दिया है पर्पल हार्ट, और पर्पल हार्ट भी अच्छी तरह से बढ़ता है, ग्रो होता है। बेबी टीयर्स, ये जब बढ़ेगा बहुत ही सुंदर लगेगा, ग्रो होगा तब। अभी एक दो दिन तो ऐसे ही सूखे रहेंगे ये, बाद में बहुत सुंदर लगेंगे। और ये जो मिट्टी है वो भी निकल जाएगी बाद में, हम जब पानी डालेंगे तब। ये स्नेक प्लांट की, ये है मॉस रोज, जहां भी जगह है वहां पे मॉस रोज लगा रही हूँ। ऊपर को ये जेड प्लांट, छोटा सा टुकड़ा है, छोटे छोटे कटिंग ही हमें यहाँ यूज करना है क्योंकि बाद में वो ग्रो करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। पहले से ही ज्यादा ग्रो वाले लगा देंगे तो बाद में हमें दिक्कत होगी, थोड़ा डिफिकल्ट होगा इनको बढ़ने में भी। अभी इनकी जो बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, ग्रोथ होगी तब। तो ऐसे अरेंज करना है, थोड़ा सा जो बड़ा वाला है वो पीछे लगा देना है। मैंने यहाँ पे एरेलिया यूज किया है, उसको थोड़ी सी रूटिंग फॉर्म हुई थी। अभी ये सभी अच्छे से सेट कर दूंगी, बाद में मैं वाटरिंग करूंगी इसको। ये देखो ये एक बार ये सेट हो जाएगा तो फिर मिट्टी भी नहीं गिरेगी उस पर, सॉइल भी नहीं गिरेगी बिल्कुल भी, सैंड भी नहीं गिरेगी, बहुत पैक हो जाएगा ये, और रूटिंग भी अच्छी तरह से होगी इन प्लांट की। इसे भी ऐसे अरेंज करना है, छोटे छोटे जो प्लांट है वो आगे और थोड़े से बड़े वाले हाइट वाले पीछे। और ये देखो बहुत ही सुंदर लगेगा बाद में। स्टोन भी लगा देने हैं मैंने यहाँ पे, नेचुरल स्टोन लगाया है ऊपर भी। ये देखो मॉस रोज है और ये ऐसे लग रहा है पॉट पूरा। देखे ये करते करते शूटिंग लेते लेते थोड़ी शाम हो गई है क्योंकि विंटर में तो जल्दी ही अंधेरा छा जाता है,
स्टार्ट किया था तो अच्छे तरह से उजियाला था। अभी ये अरेंज करके मैं जो भी टॉयज मैंने सिलेक्ट किए हैं वो रख दूंगी यहाँ पे, तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। फिर प्लांट्स तो सभी लगा दिए हैं, देखो ऐसा लग रहा है पॉट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। हम घर में कितने भी पॉट टूटे हमारे तो हमें दुख नहीं होना चाहिए। ये देखो ये डॉल रख दी है मैंने यहाँ पे, और एक स्टोन, बहुत ही सुंदर लगते हैं। कलरफुल भी स्टोन यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक दो ही यूज किए हैं। ये डॉल रख के थोड़े टॉयज भी रख दूंगी अभी। ये रहा टॉयज सारे रख देने के बाद ये पॉट ऐसा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर। अब रहा उसके वाटरिंग की बारी, तो ये अभी मैं पंप से कर रही हूँ। मेरे पास जब पंप नहीं था मैं ऐसे हाथों से ही थोड़ा थोड़ा डालती थी, तो कोई बात नहीं, हम हाथों से भी थोड़ा थोड़ा शिंगल करके डाल सकते हैं, पंप से तो इजी ही होगा। तो एक दो चार दिनों के बाद ये बहुत ही सुंदर बढ़ने लगेंगे और ये एकदम टाइट हो जाएंगे, जो मुरझाए हुए हैं प्लांट्स जो कटिंग, और बहुत ही सुंदर लगेगा। फिर भी मैंने ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके से किया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये फेरी गार्डन पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।